और अब सत्ता की राजनीतिक कुंजी में उस प्रदर्शन की बात करते हैं जो दिल्ली में धूमधाम से संपन्न हुआ। एक तरफ ईडी अपने सवालों के साथ तैयार थी और पूरे धूमधाम से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाने की कोशिश में थी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने आज उतनी ही धूमधाम से अपनी पार्टी के हल्ला बोल प्रदर्शन में विचार उत्तेजक भाषण दिए। दिल्ली में आयोजित हुए इस धरना प्रदर्शन के केंद्र में चंडीगढ़ मेयर का चुनाव था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने इसमें गड़बड़ी की। पीठासीन अधिकारी की मदद से बीजेपी अपना मेयर बनाने में कामयाब रही। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने छोटा सा भाषण भी दिया और बीजेपी पर कई तीखे हमले किए। इस बीच उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी इतनी ज्यादा हो गई कि अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा कि मुझे पहले बोल लेने दीजिए, फिर नारे लगाइए। कुल मिलाकर तस्वीरें ऐसी थी जैसे अरविंद केजरीवाल विपक्षी क्रांति का बटन दबाना चाहते हो, लेकिन ईडी पहले ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ का बटन दबा चुकी है। बीजेपी भी एक्शन में है। उसने भी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। दोनों तरफ से प्रदर्शन वाली क्रांति थी। प्रदर्शन से प्रदर्शन टकरा रहा था, चिंगारियां निकल रही थी। इस पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रील बनाई है, वो देखिए, फिर आपको ईडी की पूछताछ वाली कुंजी दिखाएंगे। सर, ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती आई और आज उस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं। ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये। देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है जी। इस देश में रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। केजरीवाल साहब ने ये पूछा था कि ईडी उनको किस वजह से बुला रही है, पर अभी तक एक बार भी ईडी की तरफ से उनको ये क्लैरिफाई नहीं किया गया। केजरीवाल जी शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड तो थे ही, पर आज वो एक भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं और ये कोई प्रदर्शन नहीं, ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन। संघर्ष जारी रहेगा। केजरीवाल साहब ने कहा था कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी जांच तो होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा वो जांच से भाग रहे हैं। निर्वाचित हैं, उनको अपनी सुविधा अनुसार समय दिया जाना चाहिए। उनको पूरा राज्य चलाना है तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने मजाक बना लिया है संविधान का, कानून का, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स, जिसके खिलाफ चाहते हैं इनको इस्तेमाल। तो आज जिस नोटिस पर केजरीवाल को पेश होना था वो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजा गया था और ये पांचवा सम्मन था। सबसे पहले ईडी ने केजरीवाल को पहला सम्मन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा, लेकिन केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की दलील देकर पेश नहीं हुए। इसके बाद दूसरा सम्मन भेजा गया और 21 दिसंबर को पेश होने की तारीख दी गई, लेकिन इस बार भी वो पेश नहीं हुए और विपक्षों में चले गए। तीसरे सम्मन पर केजरीवाल को इसी महीने 3 जनवरी को ईडी के पास जाना था, लेकिन उन्होंने सम्मन को अवैध बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद चौथा सम्मन भेजा गया 18 जनवरी को। केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन पेश होने के बदले उन्होंने ईडी को एक लंबा चौड़ा प्रश्न पत्र भेज दिया। अब फिर से आज पेश होना था, लेकिन वो प्रदर्शन वाली क्रांति का बटन दबाते रहे और ईडी के अधिकारी इंतजार करते रहे। उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी का नोटिस ही गैर कानूनी है। वैसे सड़क वाली इस राजनीति के अलावा आज संसद में भी एक्शन था। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में शामिल हुए।
जिसमें दिया गया उनका एक बयान आज काफी वायरल हो रहा है। इस बयान में खड़गे ये कह गए कि पहले आपके 330 से 334 सांसद थे, अब 400 पार हो रहा है। ये सुनने के बाद पीएम मोदी भी काफी देर तक हंसते रहे। एक बार सुनिए कि खड़गे की किस बात पर पीएम मोदी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे चार सौ तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब ना? नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे, ठीक है। हम देखो MLA लड़े, MP लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में है। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं, और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब 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 बचाना। लीडर प्लीज, ऐसे लोग माने खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा, और सत्य के अलावा कुछ सही कहा उसको प्रूफ कर दिया। I think never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बीजेपी के 400 पार पर चर्चा कर रहे हैं, और उनकी सहयोगी ममता बनर्जी कांग्रेस पर ही हमला कर रही हैं और कह रही हैं कि कांग्रेस देश में 300 सीट पर चुनाव लड़कर 40 सीट भी जीतकर दिखा दे। तो देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।